हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हिना। सो गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरे जो भी न्यू वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ उनके नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आते रहे। उसके अलावा आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। जस्ट टाइप माई नेम, यू विल गेट माई प्रोफाइल और यहाँ पे फॉलो बटन होगा, फॉलो कर लेना फॉर ऑल द न्यू कोर्सेज एंड लेसन्स नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपके साथ में टेलर्स साइंटिफिक थियोरी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, आज की जो क्लास है ना, इसके अंदर मैं जस्ट आपको हर एक जो भी कॉन्सेप्ट है उनके अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दूंगी, उनके अंदर क्या क्या आने वाला है वो दूंगी, और कल की क्लास में जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है एंड उसके प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था उनके बारे में हर एक चीज को डीपली स्टडी करेंगे। तो कल की क्लास आपकी आधे घंटे तक जा सकती है, ठीक है? तो स्टार्ट कर देते हैं। टेलर्स डेवलप्ड हिज थियोरी ऑन द बेसिस ऑफ हिज वर्क एक्सपीरियंस इन थ्री कंपनीज। सो टेलर जो है ना, उन्होंने इनकी थियोरी किसके बेसिस पे डेवलप किया था? तीन कंपनी के द्वारा जहाँ पे उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस लिया था। तो वो कौन कौन सी कंपनी थी? एक तो मिडेविल स्टील वर्क्स था, उसके बाद में सीमोंट रोलिंग मिल एंड लास्ट वाली जो आपकी थी वो कौन सी थी? बिट बेट हेलन स्टील कंपनी। इसके ईयर भी आई थिंक मेरे पास में है, मैं आपको अभी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कि कौन सी ईयर में उन्होंने किया था। आई थिंक ये जो मिडिल वाला जो था ना, मिडिल स्टील कंपनी, ये इनका, हाँ, 1884 था, मुझे याद आ गया है, उतना मैं बताते जाती हूँ आपको। ये 1884 की बात है। एंड उसके अलावा जो ये आयरन कंपनी, स्टील आयरन वाला ये कंपनी जो थी, ये आई थी 1898 ठीक है, ईयर भी याद रख लेना। हालांकि क्वेश्चंस पुट अप हुए नहीं है, बट फ्यूचर बेनिफिट के लिए पहले ही याद कर लेना, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो इनका मेनली प्रोफेशन क्या था? ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। अगर आपको कोई भी पूछ ले कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर ये क्या थे, ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और ये बॉर्न हुए थे 20 मार्च 1856 को। ईयर याद रख लेना 1856। एंड ये डाई कब हुए थे? 21 मार्च। देखो, पैदा हुए थे 20 मार्च को, मरे थे 21 मार्च को 1915। नोट डाउन कर लेना, नोटबुक बना रखी होगी तो। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माना गया है। ही फोकस ऑन फाइंडिंग द बेस्ट वे टू डू द जॉब बाय एलिमिनेटिंग वेस्टेज ऑफ मैन एंड मटेरियल। देखो, ये पॉइंट जो है ना, ये नोट डाउन कर लेना, बेस्ट वे, क्योंकि अगर आपको है ना, कितनी बार अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, बट अगर आपको ये वर्ड दिख जाए ना क्वेश्चन में, इसके थ्रू भी आप आंसर क्लिक कर सकते हो इसका। तो ये बेस्ट वे वाली थिंग किसने दी थी? टेलर जी ने दी थी। ही डेवलप टाइम एंड मोशन स्टडीज टू फाइंड द ऑप्टिमम टाइम एंड नेचर ऑफ ऑपरेशन फॉर सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ टास्क। सो इन्होंने कौन सी थियोरी डेवलप की थी? टाइम और मोशन स्टडीज भी इन्होंने डेवलप की थी, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके टाइम का एंड ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कंप्लीट कर सके या ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेके आ सके। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम टू पे मोर टू द प्रोडक्टिव वर्कर्स। ठीक है, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, ये सब हम डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे बस इतना सा समझा देती हूँ कि देखो, सब वर्कर्स को, इनका मानना ये था इस थियोरी के अंदर या इस सिस्टम के अंदर, कि सबको इक्वल वेजेस ना दिया जाए। मान लो यहाँ पे एक वर्कर है जो 10 आवर्स काम करता है, एंड उसके आउटपुट वो निकालता है 6 यूनिट। एक वर्कर है जो सिर्फ 8 घंटे काम करता है एंड उसकी प्रोडक्टिविटी वो देता है 10 यूनिट्स की। ठीक है, तो अब ज्यादा प्रोडक्टिव कौन है?
ये 10 आवर्स वाला या 8 आवर्स वाला? ऑब्वियसली 8 आवर्स वाला, तो इससे ज्यादा विजिट देने चाहिए। तो ये यहाँ पे सिस्टम था इनका। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर्स थियोरी। सर जो टेलर थे, इन्होंने फ्रेडरिक विंस्लर टेलर, इनके कुछ थियोरी भी थी, तो वो भी हम इन डिटेल में आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं। यहाँ पे बस आपको एक आइडिया दे देती हूँ ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना, लिखते रहना कि ये इन्होंने दी है, एंड एक एक दो दो लाइन में उसे एक्सप्लेन कर दूँ। मैं डिटेल में समझा दूंगी, बट आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप एक एक दो दो लाइन में बुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। सो फर्स्ट थी, वो थियोरी कौन सी थी? रूल ऑफ थम शुड बी रिप्लेस विद साइंस। सो इनका मानना ये था कि जो फर्स्ट थियोरी थी वो कौन सी होनी चाहिए, रूल ऑफ थम जो है उसे रिप्लेस करके कौन सी, किसके साथ रिप्लेस किया जाना चाहिए? साइंस के साथ में। इन डिटेल करने वाले हैं, टेंशन मत लेना। देर शुड बी हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड इन द ग्रुप एक्शन, मतलब हारमोनी होनी चाहिए। ठीक है, ये वर्ड्स आप याद रख लेना, ये ऐसे कैसे एग्जाम्स में आते हैं। कोऑपरेशन होनी चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब अकेले अकेले काम नहीं करना है। मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, आउटपुट के ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी, मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितना वो काम कर सके उस हिसाब से उनके डेवलपमेंट भी करना चाहिए। ये इसके ऊपर पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, या कल जैसे कि मैंने आपको बताया है हाफ एन आवर की वीडियो ले लेंगे हम, एंड उसमें ये सब पॉइंट्स अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये वही है कि डेवलपमेंट करना किसका, ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उसके अलावा नेक्स्ट आगे देखते हैं फेलोस, हेनरी फ्योज के बारे में कर रहे हो। हेनरी फ्योज एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी, सो एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी से कौन रिलेटेड है? हेनरी फ्योज। ठीक है, याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा आपको? मैंने आई थिंक पिछले क्लास में कमेंट करके बोलने के लिए बोला था कि मतलब कौन किससे रिलेटेड है, मुझे अब तक किसी के कमेंट मिले नहीं हैं। तो गाइस कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो। सो हेनरी फ्योज का, इनका बॉर्न ईयर है 1841 to 1925, नोट डाउन कर लेना ये। फेयर फोकस्ड ऑन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल रेदर देन लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो उन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया? पूरे के ऊपर, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रेदर देन लोअर लेवल। जो वेरस जो टेलर थे ना, वो शॉप लेवल, मतलब जो फ्लोर लेवल था ना, मतलब नीचे का लोअर लेवल, उस पर फोकस रहता था। और इनका फोकस किस पर रहता था? हेनरी फेयर का, इनका फोकस पूरे के ऊपर रहता था। हिज थियोरी रिवॉल्व्स अराउंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, कौन सी एक्टिविटीज? टेक्निकल हो गया, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर। मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से है, ये अभी तक आपको याद हो गए होंगे। आई थिंक बिजनेस मैनेजमेंट की फर्स्ट या सेकेंड क्लास के अंदर ही मैंने करवाए थे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, क्योंकि आपका ये डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। एबिलिटीज ऑफ मैनेजर, जो कि फिजिकल, मेंटल, मॉरल, जनरल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो इन इन फील्ड में ये काम करते हैं। बस इतना याद रखो कि जो फेयर के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं एंड वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलते हैं, वेरस जो टेलर है वो शॉप लेवल या फ्लोर लेवल होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, येट अनदर क्वेश्चन इनके ऊपर पुटअप होते हैं आपको, ये जो सब इनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में कोई सेंटेंस लिख के दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल की बात हो रही है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हम क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर भी, टेंशन मत लेना, सब कुछ होने वाला है। सो सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, पर्सनल इनिशिएटिव, स्पिरिट डी कॉर्प्स। सो इन 14 प्रिंसिपल्स की एक अलग से वीडियो बनेगी जिसके अंदर शॉर्ट ट्रिक होगी ये ऑर्डर्स को याद रखने के लिए,
एंड कौन से पॉइंट का मतलब क्या है, किसके अंदर क्या बोला गया है, इसकी एक आपको अलग से वीडियो मिलने वाली है। यहाँ पे बस आपको याद रख लेना कि 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। मैं आपको इसका भी शॉर्ट ट्रिक दे दूंगी ताकि इनके बस स्टार्टिंग वर्ड्स देख के आपको याद हो जाए कि कौन सा प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है। बट इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना के दूंगी जहाँ पे हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या थिंग्स रिलेटेड टू फ्योर थियोरी। हिज प्रिंसिपल आर वाइडली एक्सेप्टेड इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस वर्ल्ड। वही यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, सब तरफ एप्लीकेबल होते हैं। ही पायोनेट इन हाईलाइटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिटिसिजम्स। ये बहुत फॉर्मल है, वैग है, इनकन्सिस्टेंसी है इसमें, प्रो मैनेजमेंट बायस है एंड हिस्टोरिकल वैल्यू भी यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही पुरानी है। तो नेक्स्ट देखते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। तो टेलर ने कौन कौन से टेक्निक्स दी है। देखो थियोरीज अलग होती है, सिस्टम्स अलग होते हैं, टेक्निक्स अलग होती है। तो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। देखो कई बार ये हो जाएगा कि आपको बोलेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स, एंड इसमें से कोई भी पॉइंट आपको उठा के दे देंगे, आपको उसमें से चूज करके बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं आता है। तो इसलिए अभी सिर्फ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना जो भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए रिविजन के लिए। इसलिए मैं आपको पहले ही इतना डिटेल में हर एक पॉइंट नहीं दे देती हूँ। मतलब अभी सपोज आपने टाइम स्टडी दिया है उसके बारे में इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बस पहले थोड़ा क्रक्स दे देती हूँ कि किसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर लो। फिर जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ ना, तो आप वो नोट्स साथ में खोल के बैठना। अभी सपोज टाइम स्टडी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है, बस थोड़ा सा वो जगह बचेगी ना वहाँ पे लिख सको, बस उतनी सी प्लेस रखना है, मतलब मुश्किल से एक या दो लाइन जितनी। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फंक्शनल फोरमैनशिप, अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। एट गैंग बॉक्स बॉस वाला वो सिस्टम है जिसमें दो सब पार्ट्स है एंड ईच फोर फोर होते हैं इसमें, तो वो भी करेंगे हम। हाई स्पीड स्टिल, आई थिंक ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें से भी ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मेंटल वाला भी है, मेंटल वाला है क्या, आई थिंक मूवमेंट वाला भी है कुछ, मूवमेंट तो मोशन से ही रिलेटेड है, एक मेंटल वाला भी करके कुछ स्टडी है, मेंटल स्टडी भी है टेक्निक्स में, वो भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी थियोरी। सो मैक्स वेबर जो है इनका बॉर्न ईयर देख लो, नोट डाउन कर लेना, 1864 से लेके 1920 तक, और जर्मन सोशलिस्ट इंट्रोड्यूस, ये कौन से थे, जर्मन जर्मन सोशलिस्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रैशनल लीगल अथॉरिटी सिस्टम मॉडल टू मैनेज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हिस मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, रिकॉर्ड कीपिंग एंड इम्पर्सनल रिलेशन। गाइस प्लीज ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, आपके बुक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी के साथ में रिलेटेड है, जहाँ पे बेसिकली एक सिस्टमेटिक वे के अंदर काम किया जाता है, प्रॉपर रूल्स फॉलो किए जाते हैं एंड एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहता है यहाँ पे। सो इस तरीके से आप ब्यूरोक्रेसी को याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बिहेवियरल थियोरीज। सो बिहेवियरल थियोरीज आपने किसने दिया था, एल्टन मायो ने, ठीक है, एल्टन मायो। ये आपका हॉटून स्टडीज के अंदर भी आता है, जिसे ह्यूमन रिलेशन भी कहा जाता है। दिस थियोरी इज फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल अलॉन्ग विद सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम वर्क प्लेस कंडीशन टू ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। शिफ्ट कहाँ से हुआ था, वर्क प्लेस से लेके ह्यूमन साइड में। सो बेसिकली बिहेवियर स्टडीज आपके ह्यूमन के साथ में डील करते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ में, याद रख लेना। पीपल ओरिएंटेड अप्रोचेज सब्स्टिट्यूटेड द प्रोडक्शन ओरिएंटेड, मतलब बिहेवियरल में क्या आ गया था, पीपल ओरिएंटेड अप्रोचेज आ गए थे। यहाँ पे प्रोडक्शन को ज़्यादा महत्व, बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता था, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था पीपल ओरिएंटेड। टू इम्पोर्टेंट थियोरीज जो कि ह्यूमन रिलेशन थियोरी, बिहेवियरल
साइंस थियोरी। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड कमेंट करके बताना कि वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, एंड और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए या कोर्स चाहिए। पूरा प्लेलिस्ट बनाना है, जैसे मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का पूरा प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर दिया है आपके लिए, तो ताकि आपको यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप एक ही उसमें से जाके सब वीडियोस देख सकते हो। सो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग मी।